एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है अबू इसहाक अल-हुवैनी का, वो कहते हैं फअव्वलु दरजत ज़का, समझदारी का सबसे पहला दर्जा यह है अन तालिब इल्म यबदाउ बिल अहम वल मुहिम, कि कोई तालिब इल्म सबसे अहम चीज पहले सीखे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। समझदारी की बात है, कॉमन सेंस है ये, ये कोई समझाने के लिए बहुत बड़ी दलील की जरूरत नहीं है कि भाई जिंदगी थोड़ी है, टाइम थोड़ा है, सबसे अहम चीज सबसे पहले, क्योंकि पता नहीं कब खत्म हो जाए जिंदगी। तो मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनें, सबसे अहम दीनी तालीमात में कौन सा मौजू है? तौहीद का मौजू। कौन सा गुना अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा? शिर्क का गुना। उसी तरह अकीदे के ताल्लुक से बातें, मनहज के ताल्लुक से, मेथोडोलॉजी, यानी एक होता है फॉर्मूला, सही फॉर्मूला सीख लो तो वो फॉर्मूला कई जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो ये है चौथी गलती जो लोग करते हैं कि अलहम फल मुहिम के कायदे को नहीं फॉलो करते। मिसाल के तौर पर आपको कोई तालिबे इल्म मिलेगा, बोले मेरे अंदर बहुत इल्म हासिल करने का जज्बा आया तो मैं बाइबल खोल के पढ़ने लगा, वेदास पढ़ने लगा, श्लोक याद करने लगा। हालांकि सबसे पहले इन खैर अल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बयान अल्लाह की किताब है। तो सबसे पहले क्या सीखना चाहिए था? वो सीखना चाहिए था। उसी तरह कुछ लोग हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड मसाइल पहले सीखने लगते हैं, पहले अकीदा, पहले तौहीद तो सीखो। बहुत से लोग हैं सर्टन फजाइल, सर्टन चीजें, कुछ खसूसियात, कुछ लोग नंबर्स के माहिरीन होते हैं, ये नंबर पहले, ये नंबर का ये मतलब होता है। हालांकि ऐसे नंबर्स के मतलब कुरान और हदीस में नहीं मिलता। तो हम देखते हैं कि साबितशुदा चीजें पहले सीखो, हाँ जो कन्फर्म बात है वो सीखो, गलत गलत बातें तो ऐसे भी नहीं बचना सीखना चाहिए, उस पर वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, यहां पर ये है चौथी खाई जिसके अंदर लोग गिर जाते हैं, वो है कि अल हम फल मुहिम के कायदे को नहीं फॉलो करते।